सो आप में से मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं किस टाइम पे खाना चाहिए, क्या हमें 7:30 बजे के पहले खाना चाहिए। सी पहले क्या होता था, हमारे जो इंसेस्टर्स होते थे वो 2 टाइम की खाना खाते थे और सूर्य ढलने से पहले, सनसेट होने से पहले ही अपना लास्ट मील ले लेते थे। और मैं भी ना बहुत कंफ्यूज रहता था। मैंने एक दिन अपने मॉम से पूछा कि मम्मा बताओ कि ऐसा क्यों होता है, क्या लॉजिक है। एंड शी सेड कि लॉजिक इसका ये है कि पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो खाने के अंदर कुछ डल ना जाए, तो इसका कि लोग पहले खा लेते होते थे। मैंने मान लिया। सो जब मैं अपना वेट लॉस कर रहा था, अगर आपको नहीं पता तो मैं पहले 120 किलो का था। सो जब मैं अपना वेट लॉस कर रहा था तो बीच में मेरी नाइट शिफ्ट थी एंड आई वाज स्ट्रगलिंग। उस टाइम पे मेरा वेट लॉस हुआ ही, सो दैट मोमेंट मेड मी थिंक कि यार गड़बड़ क्यों हो रही है, कि मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा। सो थोड़ी सी हमने रिसर्च की और थोड़ा सा हमें पता लगा कि हमें किस टाइम पे खाना चाहिए। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कि हमें किस टाइम पे खाना चाहिए। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप नाइट शिफ्ट वाले हो, आपके लिए कुछ प्रो टिप्स भी हैं कि नाइट शिफ्ट के अंदर भी आपने कैसे वेट लॉस करना है। I'm somewhere in the middle, try to find myself again. Well, आपने कभी सोचा जो ये डाइजेशन, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे इश्यूज ऑल टाइम हाई पे क्यों हैं? चलो इस पे मैं बाद में आता हूं, पहले मैं आपको बताता हूं हमारी बॉडी के अंदर होते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक्स। भगवान ने हमारी बॉडी के अंदर क्लॉक्स दी हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं और जो हमारे बॉडी के प्रोसेसेस हैं वो उनके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सर्कैडियन रिदम्स। सो आपकी बॉडी को पता है कि अब दिन है, अब खाने का टाइम है, तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो अपनी पीक पे होता है। तो आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव जूसेस सबसे ज्यादा रिलीज होते हैं, दैट इज ड्यूरिंग द डे टाइम। और जैसे दिन ढलता है, जैसे जैसे सनसेट के आप पास आते हो, वैसे वैसे आपका डाइजेशन सिस्टम स्लो डाउन होता रहता है। सो दिस इज द रीजन, क्योंकि आजकल हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर हम तो खाते ही रात को 9 बजे 10 बजे, कोई अपनी दुकान बंद करके आ रहा है तो खा रहा है, या किसी की नाइट शिफ्ट है तो खा रहा है। सो इस करके डाइजेशन सिस्टम इतना ज्यादा हमारा सफर कर रहा है और ऑल दीज इश्यूज आर एट ऑल टाइम हाई। तो क्या हमें 7:30 बजे तक खाना चाहिए? यस, अगर हो सकता है तो खा सकते हो। सेकंड सबसे बड़ा जो इशू आजकल आ रहा है, दैट इज इतनी ज्यादा डेफिशिएंसीज हो रही हैं। विटामिन डी तो जी हमारा लो ही रहता है, जब भी टेस्ट करवा लो लो होगा, एक बार कोर्स भी कर लेते हैं, सारी गोलियां भी खा लेते हैं, फिर लो होगा। क्यों? अगर आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो आपके जो न्यूट्रिएंट की अब्सॉर्प्शन होनी थी बॉडी के अंदर वो भी अच्छे से नहीं होगी, न्यूट्रिशन की अब्सॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होगी। तो आप जितना मर्जी खा लो, सप्लीमेंट ले लो, हमेशा आपके विटामिन डी B12 नीचे रहेंगे। सो इसे फिक्स करने का तरीका क्या है? अपने डाइजेशन पे वर्क करो, अपने सर्कैडियन रिदम पे वर्क करो। अब आप में जो बहुत से लोग बोलोगे यार पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, तो मैं तो खा ही नहीं सकती, या बोलोगे यार मैं तो करता हूं नाइट शिफ्ट में काम तो मेरा वेट लॉस क्या नहीं होगा? कोई बात नहीं, रुक जाओ यार, आपके लिए भी कुछ है। So I'll talk about 5 steps to fix your circadian rhythms and maximize your weight loss. Point number 1, 1 घंटे का मिनिमम गैप रखो जब आप उठते हो और अपनी पहली मील लेते हो। एकदम उठते सारी हमने परांठों पे टूट नहीं जाना, 1 घंटे का गैप रखना है, आपकी बॉडी को टाइम मिलेगा एडजस्ट करने का अकॉर्डिंग टू circadian rhythms. Point number 2, हमें मिनिमम 30 मिनट सनलाइट लेनी है और उस सनलाइट के अंदर हमें कुछ एक्टिविटी करनी है। इट कैन बी जस्ट वॉक। जब आप सनलाइट लोगे आपकी बॉडी के अंदर सनलाइट जाएगी, एक तो विटामिन डी तो ठीक होगी होगी, पर उसके अलावा आपके बॉडी के जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं वो एक्टिवेट होंगे अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे एक नेचुरल फिनोमिना है उनका वो काम करने का, अकॉर्डिंगली वो काम करना स्टार्ट करेंगे। Point number 3, वैसे आजकल ये ट्रेंड में भी बढ़ा है, पीपल आर डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप 10 घंटे की ईटिंग विंडो रखते हो, रिमेंबर मैंने शुरू में बोला था 2 टाइम की रोटी होती थी हमारे एंसेस्टर्स की, तो अगर आप 10 घंटे की ईटिंग विंडो रखते हो तो आपके सर्कैडियन रिदम बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। Point number 4, हैव मिनिमम 2 आवर गैप बिटवीन योर लास्ट मील एंड स्लीप। सोने से कम 2 घंटे पहले खाइए। अगर आप एकदम से खाएंगे तो आपकी बॉडी को टाइम ही नहीं मिलेगा उसे ढंग से डाइजेस्ट करने का, आपको वेट गेन भी करा सकता है। Point number 5 इज हैव मिनिमम 8 आवर इन बेड। अब 8 घंटे सोना पॉसिबल नहीं होता हर बंदे के लिए,
बट 8 घंटे आपको मिनिमम सोना है और आपको क्या अवॉइड करना है, एक तो वीडियोस, लोग रील्स देखते रहते हैं आजकल, जो बाहर वाले लोग हैं वो टिकटॉक पे लगे रहते हैं, इंडिया में तो है नहीं। सो अब इसके अलावा नेटफ्लिक्स, ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कर सकते, अगर कोई नाइट शिफ्ट में काम कर रहा है, ट्राई टू हैव ब्लू फिल्टर ऑन योर स्क्रीन या फिर नाइट मोड के अंदर आप अपने फोन को चलाओ। लास्ट पॉइंट नंबर 6, दैट हैव लेस प्रोटीन ड्यूरिंग योर डिनर्स। अगर आप डिनर बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन करते हो, प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, तो बहुत ज़्यादा लोड आएगा आपके डाइजेशन सिस्टम में, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट भी नहीं होगा, न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन भी नहीं होगी। तो मेक श्योर कि आप रात को बहुत हाई प्रोटीन डिनर्स मत कीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई ये वीडियो, बाकी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करना। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।